फर्जी तरीके से बैनामा कर दूसरे की जमीन बेच दी, पीड़िता ने अधिकारियों से की शिकायत। बरेली थाना किला छावनी की रहने वाली चंपा देवी पत्नी सालिकराम ने जिला अधिकारी एसडीएम सदर और तहसीलदार से शिकायत की है कि उसकी जमीन के सहखातेदार ने अपने हिस्से की जमीन पूरी बेच दी थी और फिर दोबारा इस भूखंड का फर्जी बैनामा कर दिया उसने। फर्जी बनाने को दाखिल खारिज पर रोक लगाने की मांग की है। चंपा देवी की खेती की जमीन ग्राम उमरसिया में गाटा संख्या 7 कुल रकबा 0.4920 हेक्टेयर है, जिसमें मेरा नाम रूपेश गुप्ता है, मैं किला छावनी बरेली का रहने वाला हूँ। मामला ये, मेरी माताजी के नाम में जमीन थी जिसमें खतौनी में 3 हिस्सेदार थे, वो अपना अपना हिस्सा बेच चुके हैं और उससे ज्यादा ही बेच चुके हैं, और उन्होंने अभी जो हमारा हिस्सा बचा हुआ था एक, उसकी भी फर्जी बैनामा कर दिया गजेंद्र पटेल के नाम से, ठीक है, उसको भेज दिया उन्होंने। अब उसमें जबरदस्ती जो है भराव डाल रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने थाने में जो है रिक्वेस्ट करी उसकी FIR कराने की, तो उन्होंने मना कर दिया। कई बार चक्कर लगा चुके लेकिन नहीं हुआ। अब जो है DM के पास में, SSP के यहाँ पे SDM के पास में, तहसीलदार के पास में भी दिया और लेखपाल जी से भी मिले हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी 1 बीघा जमीन पे हुआ है। ये महेश कुमार साहू घूम आफिया, ये कांदरपुर का है, सिरसा का रहने वाला, कांदरपुर में इसकी शॉपी है। मेरा जो है मेरा भाई लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? चंपा देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? किला छावनी। क्या मामला है जो आज जमकर जो हम हमारी ये सब हमारी जमीन ये लोग बेईमानी से ले रहे हैं। मेरे पिताजी 3 हिस्सा कर गए, उनने अपनी दोनों ने बेच दी, अब मेरी रह गई उस पर बेच रहे हैं। मेरी 1 बीघा बेच दी। कौन लोग हैं ये बेच रहे हैं? भतीजे हैं। क्या नाम है उनके? महेश। भैया का नाम राजा राम, उनके बाप का नाम हीरा लाल और उनकी बहू का नाम सोमवती। सब बेच चुके हैं? हाँ, सब बेच चुके हैं। तुम्हारे हिस्से क्या कर रहे हैं? हमारे हिस्से 1 बीघा बेच दिया और अब मिट्टी डाल रहे हैं। हमने सब DM के पास गए, सबके पास सब रसीदें भेजी रही हूँ मैं तो भैया, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। बस थाने भी गए, कुछ नहीं कर रही है। हाँ, किस जगह जमीन है आपकी? ये है कांधरपुर बारी नगरा रोड। हमारी हूँ 18 बीघा ही सारी और 6-6 बीघा 3 जन की पड़ी है। हाँ, अब बस उनने अपनी सारी बेच दी, 6-6 बीघे दोनों ने। अब मेरे हिस्सा हो मेरे बस सब बेच, 1 बीघा मेरी बेच दी और रह गई 5 बीघा। हाँ हाँ, रजिस्ट्री करा दी मेरी, महेश ने कराई है। मेरा नाम श्रीमती साहू राठौर समाज से, जिला अध्यक्ष बरेली। मैं इस मामले में आई हूँ, मेरी चंपा देवी जो भाभी हैं उनकी जमीन को भू माफिया महेश कुमार जो कि उनको नाजायज कब्जा करके गजेंद्र पटेल के नाम उन्हें बैनामा करा दिया 29 फरवरी को। लेकिन 29 फरवरी से लगातार इनको पता लगा तब से ये भागे भागे घूम रहे हैं। 3-4 बार थाने के चक्कर काट लिए इन्होंने, लेकिन वहाँ का जो SHO है वो रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है क्योंकि उसने पैसे खा लिए हैं, इसलिए वो नहीं बात कहने को तैयार है, इनसे नहीं मिलना चाह रहा है। आज मजबूरन DM साहब से मिलना पड़ा है इनको, भाभी को हमने पेश कराया, चंपा देवी को SDM के पास पेश कराया, लेकिन यहाँ कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, अगर कोई बात नहीं सुनी जा रही है, तो मेरा साहू समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है। मेरे तारा सिंह राठौर जो प्रदेश मंत्री हैं वो भी मेरे पास में खड़े हुए हैं। अगर इसका कोई निस्तारण नहीं किया जाता है तो जितने भी मेरे आला अधिकारी हैं, जितने भी मेरे DM SDM हैं, SSP से भी मिल चुके हैं, हर जगह मिल चुके हैं, ये कोई सुनवाई नहीं हो रही है इन लोगों की। अगर सुनवाई नहीं होती है तो मैं साहू समाज को लाके और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाऊंगी अगर न्याय नहीं मिलता है चंपा देवी को। तो